जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिन आ गए हैं। वो दिन आ गए हैं जब माँ दुर्गा आपके घरों में आएंगी और उनके चरणों से हमारा तन, मन और जीवन सफल हो जाएगा। माता तेरे चरणों की रज मिल जाए, माता तेरे चरणों की रज मिल जाए, मेरा ये जीवन सफल हो जाए, मेरा ये जीवन सफल हो जाए। माता तेरे हम पे नजर हो जाए, माता तेरे हम पे नजर हो जाए, माता तेरी हम पे नजर हो जाए, माता तेरी हम पे नजर हो जाए, मेरा ये जीवन सफल हो जाए, मेरा ये जीवन सफल हो जाए। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और हर स्वरूपों का महत्व अलग अलग होता है। माता रानी का पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। शैल का अर्थ है शिखर। दुर्गा को शैलपुत्री क्यों कहा जाता है, यह बहुत दिलचस्प बात है। जब ऊर्जा अपने शिखर पर होती है, केवल तभी आप शुद्ध चेतना या देवी रूप को देख पहचान और समझ सकते हैं। उससे पहले आप नहीं समझ सकते, क्योंकि इसकी उत्पत्ति शिखर से होती है, किसी भी अनुभव के शिखर से। जब किसी अनुभव का अस्तित्व आपको 100% घेर लेता है, तभी दुर्गा की उत्पत्ति होती है। नवरात्रि के 9 पावन दिनों में प्रत्येक दिन के अनुसार माता के सभी स्वरूपों के बारे में हम आपको बताएंगे, इसी आशा में कि आपके घरों में, आपके दिलों में सदैव माता की छाया समेत उनका आशीष बना रहे। इसी के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तब तक लगाइए जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय।